यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल REMC इन पे होगा, तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा, जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ठीक है, तो आपका आंसर आया होगा 60 60 60। यार आंसर सबका आया 60, आंसर सबका 60 आंसर आया। चलो देखो भाई, सिंपल था ही क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी नहीं आपके लिए। ये आपने लिखा होगा x अपॉन 8 लिखा होगा इज इक्वल टू आपने 7.2 अपॉन 9.6 लिखा होगा। अगर आपको डेसिमल का लेक्चर याद होगा तो जब हमने पॉइंट हटाना था तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, या पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट आपने हटा दी, क्या हो जाएगा 72 अपॉन 96, ठीक है, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 96 इज इक्वल टू, या सीधे सीधे आपको ये तो अंडरस्टूड दिख रहा है ना, ये तो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये तो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा होगा कि सर ये 8 जो है वो x के साथ क्या है, डिवाइड में है, x के साथ वो डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, या ऐसा समझ लो, या ये डिनोमिनेटर में था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 अपॉन 96 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल है, आपको दिख रहा है कि सर 8 से 96 कैंसिल हो जाएगा, 12 8 जा 96 होता है, फिर देखो 12 से 72, 12 6 से 72, एक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया, ये आंसर आ रहा था। हाँ तो देख लिया भाई, ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलतियाँ करोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी फिर आपको, ऐसी गलती करोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अभिनव पूछ रहे हो, अभिनव कुछ पूछ रहे हो ना, माइक कौन है अभी आपका, ना पहले रिकॉर्डिंग करो, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आपको अच्छे से, ना पहले रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो ये क्लियर हो गया सबको, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लो बिल्कुल केयरफुली, आप लोगों को क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ठीक है, केयरफुली आप लोगों को क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपको मैंने बोल दिया पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, व्हाट इज द वाला क्वेश्चन कर लो, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 27 एंड 147 27 एंड 147, इसका आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, बताओ
लोगे मेन प्रोपोजिशन फाइंड करना, बहुत इजी है मेन प्रोपोजिशन फाइंड करना। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, जब भी मेन प्रोपोजिशन फाइंड करना होगा हम सीधे इनका क्या कर देंगे, ध्यान, अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी, याद नहीं रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कर नहीं पाओगे, सेलेक्शन नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को, फिर सेलेक्शन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। ठीक है, चलो अब इसका निकालो। हम पे वहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि जो भी हम पे नंबर दिए रहते थे उनका हमने क्या कर लेना था, इनका हमने क्या कर लेना था, 27 × 147, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते थे मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला पता था ना, वहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या था, रूट ए मल्टीप्लाई सी था, और ये क्या होता था, ये ए और सी हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन बन जाती थी। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, इनका निकाल लो। अब यहाँ पे देखो 27 × 147 है, आपको पता है 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 147 भी नहीं है, तो मैं इन दोनों का पहले क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, अगर आप 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 9 जै 27, 3 3 जै 9, 3 1 जै 3, फिर मैं 147 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, 3 से होगा एंड 3 4 जै 12, 3 9 जै 27, 7 7 जै 49, 7 1 जै 7। ठीक है, इनको मैं इसमें लिख लेता हूँ ऐसे, 27 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो मुझे क्या मिला, 3 × 3 × 3 मिला, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 147 का करा तो मुझे क्या मिला, 3 × 7 × 7। ओके, अब जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते थे हम वहाँ उनके क्या कर लेते थे, पेयर बना लेते थे, बनाओ पेयर बनाओ पेयर बनाओ पेयर, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 7, 3 × 3 × 7, 3 6 9, 9 7 जा कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई, 63 आना था, आया था किसी का 63, बताओ, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी। अब किसी को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेस करना नहीं आएगा तो तुम लोग फिर थोड़ा क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, समझ आई मेरी बात, क्लियर है, चले आगे चले आगे, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई आप। ओके सर, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है फिर आपके सामने, नेक्स्ट है फिर आपके सामने क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके सामने, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल केयरफुली देख लो। ठीक है, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:8 के, वो क्या है, रेशियो में है। ठीक है, फुल स्टॉप, इफ सेकंड नंबर द द सेकंड नंबर द सेकंड नंबर इज 56 56, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। अब हम यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन चल रहे हैं, हाई लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से, तो बिल्कुल केयरफुली आप चीज़ों को समझते जाओ और चीज़ों को करते जाओ। पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, हमेशा पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बारी समझना होता है, क्वेश्चन को आपको एक बारी समझना होता है। क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो यार, हमेशा देखो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, हमेशा हमने पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करना है तो इन स्टेप से होते हुए चलो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लिया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट को क्या कर देना है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। मेन पॉइंट यहीं पे है, अगर आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत आएगी, वो अगर आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर ली उसके बाद तो आपको पता है वहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लाई वगैरह, प्लस वगैरह, माइनस वगैरह, डिविजन वगैरह, यही होने वाला है। आपको उसको रिड्यूस करना आना चाहिए, उनको कटफट करना आना चाहिए, है ना, सिंप्लीफिकेशन में करते हैं ना, ऊपर नीचे हम रिड्यूस कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, उससे आंसर हमारा इजी वे में सिंप्लीफाई होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को करने का ये प्रोसेस होता है,
समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेसिक आपको समझने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चीज करवाता हूँ, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है भाई, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो तो इसका अब ध्यान से देखो, आपको बोला कि मेरे पे दो नंबर है, उन दो नंबर का रेशियो क्या है? 5:8 है। बिल्कुल केयरफुली सुन लो, उन दो नंबर का रेशियो क्या है मेरे पे यहाँ पे? 5:8 मेरे पे उन दो नंबर का रेशियो है। उनमें से मुझे बोला कि एक नंबर अगर 56 है, ठीक है, इफ सेकंड नंबर इज 56 देन फाइंड द फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। अब रेशियो देखो, जो मुझे यहाँ पे रेशियो दे रखा है, जो मुझे यहाँ पे रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है? वो मुझे दे रखा है यहाँ पे 5:8 रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है? 5:8 मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। आ रही है बात समझ में? ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड नंबर आपको बोला है कि 56 है। देखो ये रेशियो का फर्स्ट वाला नंबर है, भले ये रियल नंबर नहीं है, ये रेशियो है, लेकिन इन रेशियो से ही तो हमें नंबर मिलेगा ना, आपको पता है। ये जो फर्स्ट नंबर है वो फाइंड करना है, एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर मुझे दे रखा है 56। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको? बिल्कुल केयरफुली सुन लो, मैं इसको यहाँ पे एज अ प्रोपोर्शन लिख सकता हूँ। 5:8 है और मैं इसको यहाँ पे एज अ प्रोपोर्शन कर लेता हूँ। ठीक है, 5 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ? 5 की जगह फर्स्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, तो 5 के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ क्या कर लूंगा? मैं यहाँ क्या कर लूंगा? एक्स कर लूंगा। 8 सेकंड नंबर मुझे बोला है कि वो कितना है? 56 है, मैंने 56 कर लिया। सीखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, अब देखो 5:8 को मैं 5.8 लिख लूंगा, इसको मैं इक्वल कर लूंगा। या आप अगर इस फर्स्ट वाली लाइन को नहीं भी लिख रहे हो, सेकंड वाले को भी लिख सकते हो, क्योंकि सर मुझे पता है 5:8 को मैं क्या लिखूंगा? 5/8 लिखूंगा। लिख लिया। अब बोला कि फर्स्ट नंबर मुझे फाइंड करना है, तो ये पहला नंबर है, इसको फाइंड करना है, इसकी जगह मैं इधर क्या लिख लूंगा? एक्स लिख लूंगा। अपॉन में 8, क्योंकि सेकंड नंबर है और सेकंड नंबर हमें बोला है कि 56 है, 8 की जगह मैंने 56 करना है। अब बहुत सिंपल है, आपको पता है हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसा कि आपने सीख रखा है, या तो सीधे कर लो। कैलकुलेशन मैंने आपको समझा रखी है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे आपको इक्वल के दूसरे साइड भेज देना है। एक्स के साथ देखो 56 क्या है? अपॉन में है, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है। इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में था एक्स के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 5 × इधर 56 अपॉन में 8 था। सिंपल वे में देखो 8 × 7 = 56, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो हम ऐसे कट कर सकते हैं। एंड 5 × 7 है तो 5 × 7 सबको पता है सर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली? 35 मिली। दूसरा नंबर हमें मिला क्या? 35। पहला नंबर 35, समझा देता हूँ, पहला नंबर 35 है, दूसरा नंबर 56 है। अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो देखो 5 ये किससे रिड्यूस होगा? 7 से रिड्यूस होगा। 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56। मिल गया आपको रेशियो? हुई ऐसे करना है हमें क्वेश्चन। बताओ सबको बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है आपको यहाँ तक तो बताओ भाई। आपको यहाँ तक कोई भी इश्यू है, कोई भी तकलीफ है बताओ। चले आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बताओ। सब क्लियर है अगर आपको यहाँ तक? चले बढ़े बढ़े आगे। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ओके चले आगे। चलो देखना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चन को करना भाई, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। आप तो धीरे धीरे यही समझ लो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे हर बारी, हर बारी आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे ही फंसते रहोगे। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लो, आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इफ इफ x is to y is equal to 4:7। देख लो x 4 है, y क्या है? 7 है। ओके सर, फिर हमें बोला कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू हमें निकालनी है किसकी? फाइंड वैल्यू ऑफ 2x + y, फाइंड वैल्यू ऑफ 2x + y is to 2x - y। बताओ बताओ, वैसा नोट कर लिया?
अब सबसे पहली बात आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि सर इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम अब यहाँ पे थोड़ी हाई लेवल वाले क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो वो आपको करने के लिए एक तो बेसिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। एंड दूसरी बात आपको फिर क्या होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो समझ आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ओके। चलो इसका हम बेसिकली सिंपल वे में देखने का ट्राई करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स इज टू वाई तो है क्या 4:7, ठीक है। एक्स 4 है, वाई क्या है 7 है, उनके वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स 4 है, वाई क्या है 7 है। समझ आई बात, हमें निकालना क्या है 2x+y एंड 2x-y। जहां जहां पे आपको एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स की वैल्यू 4 लिख लो, जहां जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे y की वैल्यू 7 लिख लो, आंसर आपका आ जाएगा। हमें देखो वैल्यू निकालनी इस पूरे की, ये पूरा क्या है, ये पूरा है 2x+y है, इस टू में यहाँ पे क्या है 2x-y है। इतनी बात सबको समझ आई। अब ध्यान से देखो, टू आपको पता है अगर मैंने ये 2x लिखा है, इस 2x का मतलब क्या है, इस 2x का मतलब है कि सर 2 × x, बीच में कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू सर 4 है, ओके सर, बीच में प्लस का साइन, y की वैल्यू 7 है, ये मैंने कर लिया, बीच में रेशियो का साइन। फिर यहाँ पे भी देख लो 2 × x, x की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस वाई की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है सर। 2 × 4 जा कितना हो गया 8+7 का, अभी ऐसे आएगा 7:2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 4 = 8 - 7, 8+7 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एंड 8 - 7 करोगे आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो आंसर कितना आया 15:1 आपका यहाँ पे क्या आया, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, ठीक है। आजकल लाइट काफी जा रही है दीक्षित आपके इधर, आजकल लाइट काफी जा रही है आपके इधर, कौन सा नोट नहीं करा, तो ये है भाई आपका फंडा। अब जो भी हम देखो अभी तक हमने क्या करा, हमने आज जो क्वेश्चन करे यहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है, ये हमने एक पहले छोटा सा क्वेश्चन करा, जिन लोगों को अभी जो ज्वाइन हुए गुड इवनिंग सरन्या, ठीक है, आज हमने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा था सर ने, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, मेन प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे निकाल लिया था, वो भी देख लेना एक बारी। फिर हमने क्या करा, यहाँ से अब आपके प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है, वो हम यहाँ से आप प्रॉपर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हम यहाँ से प्रॉपर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लो, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से देखा कि 2 नंबर का रेशियो हमें यहाँ पे दे रखा था, क्या दे रखा था 5:6 दे रखा था, ठीक है। फिर हमने बोला अगर 2nd नंबर हमें 56 दे रखा है तो फाइंड द 1st नंबर, हमने सिर्फ रेशियो को देखना है, पहला नंबर यहाँ पे 5 है मतलब रेशियो, दूसरा 8 है तो 5 1st नंबर है, 8 दूसरा है, दूसरा नंबर मुझे दे रखा 56, इसे मैं देखो दूसरे नंबर की जगह क्या लिख दिया 56 लिख दिया, बाकी ये छोटे से कैलकुलेशन है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। फिर हमने क्या करा, दूसरे टाइप का हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे x:y मुझे 4:7 दे रखा था, वैल्यू मुझे निकालनी थी 2x+y = 2x-y की, मुझे क्या निकाल लेनी थी, वैल्यू निकाल लेनी थी, वो मैंने यहाँ पे इजिली क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी, आंसर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, x और y की। 7 किसका आंसर आएगा सरन्या, 7 किसका आंसर आएगा, 7 नहीं आएगा, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ आया सबको, समझ आया सबको, जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पूछ लेना मुझे, जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछ लेना भाई, ठीक है, तो कहीं पे कोई भी इश्यू आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी तकलीफ होगी तो मुझे पूछ ले सर, मैं यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, (56/8)7 कौन सा 7 के लिए बोला, 7 के लिए बोला, के लिए बोला 7, हाँ बताओ दीक्षित कहाँ पे प्रॉब्लम, माइक ऑन कर लो, बताओ कहाँ पे दिक्कत है, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, माइक ऑन करके पूछ, मैं बार बार बोलता हूँ जिस पॉइंट पे जिसको दिक्कत आती है पूछ लिया करो, सब क्लियर है तो फिर निकलते हैं आगे, ओके ओके ओके, कहाँ प्रॉब्लम है दीक्षित, नहीं है कहीं, सब क्लियर है, हाँ बताओ, एक्स नहीं है ये मल्टीप्लाई है, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी,
हमने यहाँ पे क्या रखा, एक्स अभी समझाया ना, ये टू इंटू एक्स है, ये टू एक्स था, इसका मतलब है टू इंटू एक्स। ठीक है, जब भी कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा, उसके साथ कोई सिंबल होगा, अगर कहीं पे ऐसा टू वाई भी होगा, इसका मतलब है टू मल्टीप्लाई वाई। हमने वहां पे एक्स की वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू क्या थी, फोर थी, तो टू मल्टीप्लाई फोर है। एंड इतना तो यार आपको कॉमन सेंस भी रखना है कि हमने टू इंटू फोर को कैलकुलेट करके यहाँ पे एट लिखा है, इसका मतलब डेफिनेटली सर टू इंटू फोर, टू फोर से क्या हुआ होगा, एट हुआ होगा। इतनी बात तो समझ आ रही है, इतनी बात तो समझ आ रही है ना, तो ये चीज देखनी है। और हमेशा एक बात का मेरा हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लो आपको इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आई, इससे पहले वाली इक्वेशन को देख लो, अगर इसमें प्रॉब्लम है इससे पहले वाली को देखो कि वहां पे क्या चल रहा है, और दिक्कत है तो बताओ। और कहाँ दिक्कत है, समझ आई बात, समझ आई बात भाई, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। और सब अंडर कंट्रोल है तो फिर हम आगे निकलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया इफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री दिया, आपको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर एक्स, फोर एक्स माइनस टू वाई, फोर एक्स माइनस टू वाई अपॉन थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस टू वाई। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू रखते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, इसीलिए मैं आपको बोलते बोलते थक चुका हूँ, जब तक आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से नहीं हुई, आप हमेशा क्वेश्चन में परेशान होगी। बेसिक कैलकुलेशन कैसे ठीक होगी, आप 20 तक टेबल अच्छे से लर्न कर लो, उसके बाद जो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन करवा रखी है उसको अच्छे से कर लो, डेसिमल करवा रखा है उसको अच्छे से कर लो, सिंप्लीफिकेशन करवा रखा है उसको अच्छे से कर लो, देखना मैथ आपकी कहाँ से कहाँ कितनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और एच सी एफ एल सी एम कर लो। ठीक है, नहीं तो हमेशा भाई देखो, चाहे आप आज आज ना पढ़ो, कल फिर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, वहां हमेशा फंसते रहोगे, इसलिए एक बार इन चीजों को करने का प्लीज ट्राई करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलो, इसका क्या करना था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसमें वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है सर फोर है, ठीक है, आपको पता है टू है, ठीक है, आपने बोला थ्री है, ठीक है, आपने बोला टू है, ठीक है, लेकिन सर ये एक्स वाई का मैं क्या करूँ, जब तक हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, जब तक मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं चलेगी, मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है, एक्स की वैल्यू टू है, वाई की वैल्यू क्या है, थ्री है, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे फिट कर लेनी है। इसको ध्यान से देखो, मेरे पे क्या है, ये फोर एक्स है, माइनस मुझ पे क्या है टू वाई है, अपॉन में क्या है थ्री इंटू एक्स है, एंड प्लस में क्या है टू इंटू वाई है। एक्स की वैल्यू रख दो, फोर इंटू एक्स है, ये फोर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू है, फिर बीच में ये माइनस का साइन, फिर टू इंटू वाई की वैल्यू थ्री है, रख दिया, अपॉन में चल लो, थ्री इंटू एक्स है तो थ्री इंटू एक्स की वैल्यू टू है, रख दिया, बीच में प्लस का साइन, टू वाई है, टू इंटू वाई की वैल्यू क्या है थ्री है। सॉल्व करना है अब नॉर्मल, ठीक है, और सॉल्व हमेशा देखो, सिंप्लीफिकेशन आपको मैंने करवा रखा है, वर्ड मास वगैरह मैंने आपको अच्छे से चीजें करवा रखी है, तो वो आपको भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको बात समझ आएंगी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देख लो, फोर टू जा कितना हो गया एट, बीच में माइनस का साइन, टू थ्री जा सिक्स, अपॉन में देख लो, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स हो गया। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होता है ये आपको पता होगा, सॉल्व कर लो, एट माइनस सिक्स करोगे आपको मिलेगा टू, एंड सिक्स प्लस सिक्स करोगे आपको मिलेगा ट्वेल्व, और टू अपॉन ट्वेल्व रिड्यूस होगा सर, किससे रिड्यूस होगा वो देख लो, किससे रिड्यूस होगा वो देख लो, टू वन जा हो गया आपका टू, एंड टू सिक्स हो गया आपका ट्वेल्व, वन बाई सिक्स आपका ऐसे फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखी होगी। ठीक है, चलो भाई बोलो, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, इसमें किसी सज्जन को कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो बताओ भाई, सब बढ़िया चल रहा है, समझ आ गया। फिर देखो, इतनी बारी बोलू क्वेश्चन, ये चाहे जहीं का भी हो, यहाँ पे देखो आया क्या सर, बेसिक कैलकुलेशन आई, कैसे प्लस होगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे माइनस होगा, वही अगर आपको करना नहीं आएगा फंसते रहोगे भाई, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ आपको बार बार। ठीक है, ओके वेरी गुड, इस बार सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत गजब, सब बढ़िया चल रहा है, तुम लोग अच्छे से आंसर निकाल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप, ये वाला। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि हाँ सर हाई लेवल है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा इनके लिए। इफ एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू
y upon 3 is equal to z upon 5, यहाँ पे z है, ठीक है, इसको तू मत समझना, यहाँ पे क्या है, z है, यहाँ पे क्या है, z है, ठीक है, z upon 5। देन आपको बोला देन फाइंड वैल्यू ऑफ, हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, 4 इंटू x प्लस 3 इंटू y माइनस z अपॉन y। ये देखो भाई, एक्सप्रेशन देख लो, आपको क्या बोला गया, अगर x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 5 है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 4x प्लस 3y माइनस z अपॉन y की। तो हो गया, समझ आया कुछ कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा हमने गेम खेलना है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ा गेम खेलना है। देख लो गेम क्या खेलेंगे, हमें बोला है कि x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 3 है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 4x प्लस 3y माइनस z अपॉन y की। यहाँ पे देखो मुझे ये दे रखा है कि जो है x, ध्यान से समझना, ठीक है, उसके बाद करना, कि जो x upon 2 है ये बराबर है, इक्वल है किसके, y upon 3 के। फिर से जो ये z upon 5 है ये भी बराबर है इन सब के, मतलब जो ये तीन है ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, x upon 2 y upon 3 के बराबर है, y upon 3 z upon 5 के बराबर है, या मैं ऐसा भी कह लूँ कि x upon 2 z upon 5 के बराबर है, या मैं ये कह लूँ y upon 3 x upon 2 के बराबर है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमने हमेशा क्या करना है कि सर ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू मैं क्या मान लूंगा, कोई भी एक सिंबल मान लूँ, कुछ भी सिंबल मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ आर, जो भी आपको मानना है वो आप मान लो कि ठीक है ये तीनों अगर इक्वल है तो ठीक है, हमने बोल दिया कि एक सिंबल मैंने लिख लिया, ये सिंबल भी क्या है, इन सब के इक्वल है। अब यहाँ से हमने एक एक करके क्या करना है, देखो अगर ये सारे इक्वल है तो मुझे पता है जो ये x upon 2 होगा ये इस ए के भी इक्वल होगा ना, क्योंकि x upon 2 इसके भी इक्वल है। तो मैंने यहाँ से एक चीज चूज कर ली, ऐसे आपको करना है क्वेश्चन, x upon 2 is equal to a कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। अब ध्यान से देखना, x upon 2 is equal to a है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी। हाँ शरण्या बताओ, डाउट है कुछ, अभी यार सबको लैग हो रही है, यहाँ तो प्रॉपर चल रहा है, अभी ठीक है, सबके लिए लैग है, माधव दीक्षित और लोग बताओ, सबको लैग हो रहा है कि चल रहा है, दीक्षित का तो कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, माधव कैसा है, चल रहा है ना, मतलब ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। देखो अगर किसी को ब्लर रहता है ना तो वो क्वालिटी बढ़ा दो, वहां पे क्वालिटी बढ़ाने का रहता है ना, उसके लिए फिर आपका थोड़ा नेटवर्क की स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, x upon 2 is equal to क्या है, a है, इतना सबको क्लियर हो गया, x upon 2 is equal to यहाँ पे क्या है, a है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से x is equal to क्या होगा, देखो सिंपल, x के साथ क्या है, ये 2
अपॉन में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसने होना है 2 मल्टीप्लाई a, बहुत सिंपल वे में आपने कर लिया। ओके सर, ऐसे हम किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, y के लिए करेंगे, ऐसे हम, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। एक पॉइंट तो मैंने ये खेल लिया, दूसरा पॉइंट देख लो क्या था कि सर y अपॉन 3, मैं दूसरे कलर से इसको लिख लेता हूँ, यहाँ से क्या था कि सर y अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, a था, यहाँ से मैं क्या करूंगा y की वैल्यू निकालूंगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into a, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a हो गया, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 into a हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, फिर देख लो यहाँ पे नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट क्या है, z upon 5 is equal to a है, क्या है, z upon 5 is equal to a, मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा, ये 5 उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5a हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया? ओके, अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमें वैल्यूज मिल गई, देख लो x upon 2, x की वैल्यू मिल गई x is equal to 2a, फिर मुझे y की वैल्यू मिल गई y is equal to 3a, फिर मुझे z की वैल्यू मिल गई z upon 5 into a, और यही मैंने x y z की वैल्यू लिख लेनी है बस। चलो अब इस पे आ जाओ, हम पे क्या था 4 into, हम पे जो क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था, हम पे 4 into x + 3 into y - z था, एंड अपॉन में क्या था y था, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू रख देनी है, तो वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा 4 into, एक्स की वैल्यू देख लो, एक्स की वैल्यू क्या है 2 into a है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 into a है, तो 2 into a लिख लिया, बीच में प्लस का साइन, 3 into y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3a है, तो हमने यहाँ पे 3 into a वैल्यू रख दी, बीच में माइनस का साइन, z की वैल्यू क्या है 5 into a है, तो 5a मैंने यहाँ पे z की वैल्यू भी रख दी, अपॉन में चलो ठीक है, अपॉन में y की वैल्यू क्या है 3 into a है, 3a है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2a करोगे तो सीधे आपको नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 2 जा कितना होगा 8 हो गया, 8 into a हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा। अब देखो ये सारे एक जैसे टर्म हो गए, एक जैसी चीजें हैं, 8a 9a 5a, जैसे 8 pencil 9 pencil 5 pencil, तो मैं इनको प्लस माइनस कर सकता हूँ, ठीक है, 8a + 9a, मेरे पे 8a थे, 9a और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 17a हो गया, आगे फिर आपका माइनस 5a है, एंड अपॉन में क्या है 3a है, 17a - 5a, मेरे पे 17a थे, उनमें से 5a माइनस हो गए, मेरे को कितना मिल जाएगा 12a मुझे मिल जाएगा, अपॉन में क्या है 3a है। अब देखो आप 3a से 12a को डिवाइड कर रहे हो, या तो a से a को कैंसिल कर दो, 3 से 12 को डिवाइड कर रहे हो, 3 4 जा 12, आंसर आ गया आपका फाइनल कितना 4, आपका फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझे, बताओ, हाँ सराना के आंसर सही था, सराना के आंसर सही था, बताओ बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कुछ पूछ रहा है तो बताओ, हाँ 4 आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात, 4 आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, जब भी आपको इस तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन दिया रहेगा कि इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, हमने ऐसे इक्वल मान लेना है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, बहुत सिंपल है, और फिर कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन गाइस टफ लगेंगे, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना है, ताकि आप एक टाइम पे इनको इजिली कर लो क्वेश्चन को, जो प्रैक्टिस करेगा वही करेगा, ठीक है, उसी से फिर एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर नहीं कर पाओगे, फिर सेलेक्शन नहीं होगा, फिर परेशान रहोगे, फिर आपको मजा नहीं आएगा, फिर बोलोगे कि सर मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो सब क्लियर है, सब कंफर्टेबल है, तो मैं फिर आगे चल रहा हूँ। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, नोट हो गया, हो गया नोट, निकलो आगे, निकलो आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, मजेदार क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ
P upon 3 is equal to Q upon 2. Then आपको find करना है. Then find value of 2P plus 3Q. 2P plus 3Q upon 3P minus 2Q. क्या करना है करो. P upon 3 is equal to Q upon 2. Then find value of 2P plus 3Q, 3P minus 2Q. देखो ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे रेशियो में, ठीक है. और ध्यान रखो, जब भी कोई सिंबल लिखा हो, उसके लेफ्ट राइट में कोई नंबर लिखा हो, वो हमेशा मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा. अब ये वाला क्वेश्चन है भाई. इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है. ठीक है कि 2P plus 3Q अपॉन 3P minus 2Q की वैल्यू चाहिए. अब आप इसको देखोगे, हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका आंसर चाहिए. 2 ठीक है, 3 ठीक है, 3 ठीक है, 2 ठीक है. P की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए. वो मुझे कहाँ से मिलेगी? वो मुझे यहाँ से मिलेगी. अब आप बोलोगे सर अभी तक क्या था, अभी तक हमें इस तरीके से दिया रहता था कि x upon y is equal to 2 upon 3 दिया रहता था. हमें पता चल रहा था x की वैल्यू 2 है, मुझे यहाँ से पता चल रहा था कि y की वैल्यू क्या है? 3 है. लेकिन इस बार यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया. यहाँ पे p के सामने q लिखा है एंड यहाँ पे 3 के सामने 2 लिखा है. हमने क्या करना है, सिंबल को एक साइड रख लेना. तो ध्यान से देखो हम इसका जो आंसर करने जाएंगे, वो आंसर हम इसका कैसे करने जाएंगे. ये हमें यहाँ पे दे रखा है पी अपॉन 3 इक्वल टू, मुझे यहाँ पे दे रखा है क्या, Q अपॉन 2 दे रखा है. मैं क्या करूंगा, इस Q को मैं यहाँ नीचे ले आऊंगा. P यहाँ था, ये Q को मैं यहाँ ले आया. Q यहाँ देखो न्यूमरेटर में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा. ये डिनोमिनेटर में आ गया इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी क्या था यहाँ पे, 2 तो डिनोमिनेटर में था ही. यहाँ देखो 3 क्या है, डिनोमिनेटर में है. मैं 3 को यहाँ से इक्वल के दूसरी साइड ले जा रहा हूँ तो वो डिनोमिनेटर से हट करके कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा. अब देखो आपको वैल्यू मिल गई, P अपॉन Q इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. P की वैल्यू आपको 3 मिल गई, Q की वैल्यू आपको 2 मिल गई. आपने अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर भी आपके आने लग गए. चलो अब हम पे जो जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो ये था कि 2P plus 3Q अपॉन क्या था, 3 into P, 3P minus 2Q था, ठीक है. कर लो सॉल्व, 2 into P, P की वैल्यू क्या है सर, P की वैल्यू 3 है, प्लस 3 into Q, क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पे, 2 है, लिख दिया. फिर 3 into P, पी की वैल्यू क्या है मेरे पे, 3 है, बीच में माइनस का साइन, 2 into Q, क्यू की वैल्यू क्या है, 2 है. बस वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है. 2 3 जा 6, प्लस 3 2 जा 6, अपॉन 3 3 जा 9, माइनस 2 2 जा 4. 6 plus 6 करोगे तो 12, 9 minus 4 करोगे तो 5, ठीक है. तो 12/5 आंसर आ रहा है. 12/5 आना था भाई, 12/5. तरन्या कहाँ पे आपने मिस्टेक कर ली, कहाँ पे मिस्टेक कर ली, ये आंसर आना था, कहीं पे तो मिस्टेक हुई है. अब कहाँ पे मिस्टेक हुई है बताओ, मिस्टेक आपके कहाँ पे हुई है बताओ, कहाँ पे मिस्टेक हुई है बताओ. ठीक है, 12/5 आना था. आया क्वेश्चन समझ, बताओ सिंपल है ना. तो ये नेक्स्ट टाइप का भी देख लिया. अभी देखो हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है. कहाँ, अब यही पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब हमें क्या पूछा जा रहा है, कब हमें क्वेश्चन को कहाँ से कनेक्ट करना है, कब हमें क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ घुमाना है, कहाँ कनेक्ट करना है. वो चीज अगर आपको आ गई फिर आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता. और इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, इसके लिए लगेगा टाइम, इसके लिए लगेगा रिविजन, जो कि करना पड़ेगा किसको, आपको, ठीक है. मेरा काम यहाँ पे खत्म, आपका काम शुरू होता है, ठीक है. प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे, 2-4 दिन बाद तो पूरा भूल जाओगे, फिर परेशान होंगे कि इतना कौन पढ़ेगा. ये जो आपने पढ़ लिया अच्छे से, जो आपने क्लियर कर लिया अच्छे से, उसको बीच बीच में रिविजन करना है, फिर बताएगी नहीं. नोट हो गया सबको, यहाँ तक सबने नोट कर लिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F is equal to, ये तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई, is equal to 3 है. देख लो is equal to क्या है, 3 है. देन हमें बोला फाइंड करो
देन फाइंड करो 2 into a square। अब देखो यहाँ स्क्वायर भी कनेक्ट हो गया, देखना पड़ेगा आपको भाई, ठीक है। प्लस में क्या है 3 into b square, 3 into c square। प्लस में क्या है 4 into e square, ठीक है, ये 4e है, e square अपॉन में है 2 into b square प्लस 3 into b square प्लस 4 into f square। ये थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल पे क्या ही होना है, आपको चीज़ों को समझ आना चाहिए बस, ठीक है। आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, वैल्यू इसकी निकालनी है हमें। यहाँ पे क्या चाहिए देखो, ए की वैल्यू चाहिए, सी की चाहिए, ई की चाहिए, ठीक है, या बी की चाहिए, डी की चाहिए, एफ की चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे सर ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, सी अपॉन डी इज इक्वल है ई अपॉन एफ के, एंड ये फिर इक्वल है 3 के। मतलब ये सारे के सारे क्या है, आपस में इक्वल है, सारे के सारे क्या है ये, आपस में क्या है ये, इक्वल है, समझ रहे बात को, आपस में क्या इक्वल है। तो हमने यहाँ से दिमाग लगा के क्या कर देना है, हमने यहाँ से दिमाग लगा के क्या कर देना है, ये ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी इक्वल होगा किसके, 3 के, ए अपॉन बी इक्वल होगा किसके, 3 के। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी तो ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू, चलो मैं आगे लिख लेता हूँ दिस इम्प्लाइज करके, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3 था, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा, बी यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में, तो 3 into b हो जाएगा, ए की वैल्यू निकली 3b। यहाँ मैं ए की वैल्यू लिखूंगा 3b, यहाँ फिर सी की, यहाँ पर ई की लिखूंगा, यही मुझे वैल्यू मिलेगी। फिर अपॉन में क्या है, सी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या है 3, ये भी मैं मान लूंगा, यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकालूंगा, जो मिलेगी मुझे क्या 3 into d। फिर क्या है ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या है 3 है, यहाँ से मैं क्या करूंगा ई इज इक्वल टू 3 into f, 3f हो जाएगा। बताओ आपको किसकी वैल्यू मिली, हमें मिली सर जो वैल्यू मिली ए की मिली, सी की मिली, ई की मिली, ठीक है, एक वैल्यू ये काम की, एक वैल्यू ये काम की, एक वैल्यू ये काम की, ए सी ई की मुझे क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, ए सी ई की वैल्यू मुझे यहाँ रख लेनी है। तो रखो कैसे रख रहे हो आप, रखो आप कैसे रख रहे हो उनकी वैल्यू को, लगाओ जरा दिमाग, ठीक है, वैल्यू मिल गई, रख सकते हो आप वैल्यू को। अब देखो वैल्यू को हमें कैसे रखना है, हमें वैल्यू निकालनी है 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² की और इन सब की। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था 2 था, ध्यान से देखो, इसी में हमने वैल्यू रखनी है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे इसका मतलब है मल्टीप्लाई, मैं अभी इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब आपको बता रखा है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, 2 a² था, ध्यान से देखना, हमने ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3b है, ध्यान से देखो ए की वैल्यू क्या है 3b है, ए की जगह मैंने क्या लिख लिया 3b लिख दिया। अब ये ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू 3b है, तो वो 3b का भी स्क्वायर बनेगा, इसको ध्यान रखकर 3b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर था,
ए की वैल्यू क्या आती है 3b, तो 3b का होल स्क्वायर बनेगा। इट मींस ये स्क्वायर इस 3 का स्क्वायर भी है एंड इस b का स्क्वायर भी है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बात। ओके सर, फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3d, तो ये हो जाएगा 3d का स्क्वायर, बीच में प्लस 4 इंटू ई, ई की वैल्यू 3f, तो ये हो जाएगा क्या, 3f का स्क्वायर हो जाएगा, 3f का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई, बताओ ये बात सबको क्लियर हो गई। ओके, अपॉन में यहाँ पे देखो 2b स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखना है क्योंकि हमें b की वैल्यू नहीं है, हम पे d की वैल्यू नहीं है, f की वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब थोड़ा हमें दिमाग लगाना है, फिर ध्यान से देखना, ये 2 इंटू है, ये क्या है 2 इंटू है, मल्टीप्लाई में चल रहा है ये सारा, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालना, ध्यान से समझना, 3 का स्क्वायर निकालोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इंटू में, ठीक है, या मैं इंटू सीधे भी लिख सकता हूँ, बी का स्क्वायर करोगे तो बी का स्क्वायर आप बी स्क्वायर ही आपको लिखना है, ठीक है। ओके सर, बीच में फिर देखो प्लस का साइन, 3 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, डी का स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर, फिर देखो प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू एफ, एफ का स्क्वायर करोगे एफ स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है, एफ का हमने एफ स्क्वायर लिखना है। ये बात सबको क्लियर हो गई, 2 इंटू 9 बी स्क्वायर, 3 इंटू 9 डी स्क्वायर, 4 इंटू 9 एफ स्क्वायर, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब अपॉन में देख लो क्या है, 2b स्क्वायर है प्लस 3d स्क्वायर है प्लस 4f स्क्वायर है। ये क्वेश्चन थोड़ी हटके है, इसको ऐसे आप समझ लेना, हटके है, कम चांस है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये 2 इंटू 9b स्क्वायर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 2 9 जा 18b स्क्वायर है, 3 9 जा 39 27 डी स्क्वायर, 4 9 जा 36 एफ स्क्वायर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ और या नीचे कुछ और है, हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, हमने क्या करना है, इसको थोड़ी यहाँ पे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ट्राई करना समझने का, बाकी थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है वैसे समझना चाहिए आपको। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, देखो एक टर्म ये है, इसको आप एक नंबर मान लो, इसको आप एक नंबर मान लो, एक नंबर मेरे पे ये है, एक नंबर मेरे पे ये, एक नंबर मेरे पे ये है, क्योंकि ये बीच में प्लस से अलग हो रहा है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस और माइनस से जो अलग होता है हम उनको अलग अलग मान लेते हैं। हमने क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है, एक नंबर इस पूरे को मान लो, एक इस पूरे को मान लो, एक इस पूरे को मान लो, इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर हमें इसमें 9 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है 9 कॉमन, कि 9 इसमें भी है, उस 9 को मैंने बाहर लिख लिया, 9 को मैंने बाहर कॉमन लिख लिया, अंदर क्या बचा, ये 2 बचा यहाँ पे, 9 तो बाहर आ गया एंड यहाँ हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, ये 9 कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, 3 इंटू डी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, ये 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 4 इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई वगैरह में होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमने इसको रिड्यूस कर लेना है। देखो रिड्यूस कैसे, ये इसको देखो एंड इसको देखो, आपको सेम सेम नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कट हो गया, 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 3d स्क्वायर 3d स्क्वायर, 4f स्क्वायर, सारा कुछ कट हो गया, ऊपर सिर्फ ये 9 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो अपॉन में तो 1 किसी हर किसी के रहता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 9 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई तकलीफ किसी को, कुछ भी इश्यू, कुछ भी दिक्कत भी तो बताओ भाई, कुछ भी दिक्कत भी किसी को तो बताओ, ऐसे करना था आपने क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स भी हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को भाई प्रोसीड करना है। अभी हमने इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, आज हमने जो क्वेश्चन करे इन क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको आपको नोट करना है अपने रफ नोटबुक में, फिर अपनी जो नोट्स आपने अभी बनाए उसको बंद करना है, अपने आप से करना है कि आपको इन क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है, अपने आप से करना है कि आप इन क्वेश्चन को ट्राई करोगे और फिर देखना कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपको इनको क्या करना है, ट्राई करना, इसको नोट कर लो तुरंत, ऐसे आपको इसको ट्राई करना है, बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको चीजें समझ आ रही होंगी, मजा आपको आ रहा होगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हम जितना आगे चलते जाएंगे कई सारी चीजें हमारे सामने आती जाएंगी, कई सारे नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते जाएंगे, कई बार थोड़ी टफ चीजें भी हमारे सामने आती जाएंगी, लेकिन वो टफ उसी को लगेंगी जिसके बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, जो पहले की चीजों को अच्छे से नहीं कर रहा होगा उसी को वो टफ लगेंगी, बाकी तो मैं हर एक चीज आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। अभी हमने जितना कुछ करा, क्या आपको कहीं पर दिक्कत हुई,
समझने में कोई दिक्कत भी नहीं भी, लेकिन आप 3 4 दिन बाद आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे या यही क्वेश्चन आ गए आप नहीं कर पाओगे, कोई करेगा किसी को दिक्कत आएगी, तब की बात कर रहा हूँ कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है, बाकी रिवीजन कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है, बाकी मिलते फिर हम नेक्स्ट क्लास में, यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNVCHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहां जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे, अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीजें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए है, बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेज स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।